तो गाइस आज मेरे पास आप लोगों के लिए कमाल का सरप्राइज है, एंड वो सरप्राइज ये रहा। टेंटल है, ये हमारा एथ रॉक की तरफ से आने वाला उनका RX 570 फैंटम गेमिंग वाला ग्राफिक कार्ड, एंड ये 8GB की VRAM के साथ आता है। कमाल की चीज ये है कि भाई ये आप लोगों को यार 10,000 से 11,000 रुपए मिल जाता है, एंड इसी वजह से भाई Amazon पे बेस्ट सेलर बन गया है। लोग इसको धड़ल्ले से यार काफी ज्यादा परचेस कर रहे हैं, एंड आप लोग काफी सारे कमेंट्स भी कर रहे थे कि विवेक भाई क्या 2024 में यार RX 570 लेना वर्थ रहेगा, क्या इस पे अच्छी सी गेमिंग हो जाएगी, क्या इस पे यार वीडियो एडिटिंग हो जाएगी। तो आज की वीडियो में यही सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। प्रॉपर टेस्टिंग वेस्टिंग करके देखेंगे, गेमिंग भी करके देखेंगे, एडिटिंग भी करके देखेंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, इसी तरह की आपको वीडियो पसंद आती है, तो भाई मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड PC बनवाना था तो अब आप आपका PC हमारे यहाँ से बनवा सकते हो। हमारी जो टीम का व्हाट्सएप नंबर है वो ये रहा 9898684750, यहाँ पे कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना यार व्हाट्सएप के ऊपर, कोटेशन लेके बातचीत करके यहीं पे अपना PC ऑर्डर कर लेना। बाकी अगर आप सूरत गुजरात से रहते हो तो यार ऑफलाइन स्टोर से विजिट करके भी अपना PC बनवा सकते हो। पैन इंडिया शिपिंग करते हैं यार, किसी भी कोने में हो तो वहां से भी PC बनवा लेना, आपके PC को हम आपके डोर स्टेप तक यार डिलीवर करवा देंगे। एंड हमारे ऑफलाइन स्टोर की लोकेशन आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। अरे यार अभी तक आप लोग विंडोज का अनएक्टिवेटेड वर्जन यूज कर रहे हो, मतलब भाई 400-500 रुपए के लिए क्यों रिस्क लेना यार। आप लोगों को VIP कीज पे 400-500 रुपए में विंडोज की रिटेल एंड OEM कीज मिल जाती है, तो 500 रुपए में आपका जो PC वो एकदम सिक्योर एंड सेफ हो जाएगा। एंड साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो की है TC350, तो आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फटाफट से जाओ यार डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से फटाफट से रिटेल या OEM की बाई कर लो, इनकी वेबसाइट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दी है। तो यार अनबॉक्सिंग वाला एक्सपीरियंस तो काफी पुराना हो गया था, बट हमको चाहिए था वॉश टाइम, तो हमने सोचा डब्बा खोल ही लेते हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको बॉक्स देखने मिल जाता है रेड एंड ब्लैक कलर की थीम के साथ। ASRock का आपको यहाँ पे लोगो देखने मिल जाएगा, बॉक्स खोलते ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका ग्राफिक कार्ड, जो कि यार इन्होंने काफी तगड़ी पैकिंग कर रखी है, मतलब प्रीमियम फील हो रहा है यार। एंड यहाँ पे कोई सील वील नहीं देखने मिलती है, एंड यहाँ पे पैकिंग वैकिंग खोलने के बाद आपको ड्यूअल फैन एडिशन वाला ग्राफिक कार्ड देखने मिल जाता है। फ्रंट में आपको 2 फैन मिल जाएंगे, साइड में आपको फैंटम गेमिंग लिखा हुआ मिल जाता है। हालांकि पहली नजर में हमको ये लगा था कि ये भाई RGB वाला होगा, RGB ग्लो करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको कोई बैक प्लेट नहीं मिलता है, हालांकि दे देते तो यार हीट डिसिपेशन के लिए काफी अच्छा बात हो जाता। बाकी यहाँ पे पोर्ट की बात करें तो 3 यहाँ पे आपको DP एंड एक HDMI पोर्ट मिल जाता है, मतलब आप यहाँ पे 4-4 मॉनिटर इस वाले ग्राफिक कार्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये था इस वाले ग्राफिक कार्ड का क्विक ओवरव्यू। अब टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को यार GDDR5 वाली 8GB की VRAM देखने मिल जाती है, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको 256 bit का मेमोरी बस देखने मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको DirectX 12 AMD के FreeSync टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। तो काफी टेक्निकल बातें हो गई, अब ज्यादा डिटेल में जानने में इंटरेस्टेड हो तो भाई इस वाले कार्ड की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में छोड़ दी आपके लिए, वहां से अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई क्यों इस वाले कार्ड को लोग इतना ज्यादा परचेस कर रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें, इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है एक इतने पुराने ग्राफिक कार्ड में जो कि अभी वापस से यार नया मिल रहा है आपको। अब उसका रीजन एक ही है कि भाई यहाँ पे 10,000 से 11,000 रुपए में आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं गाइस, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको NVIDIA की तरफ से मिल जाता है, ये जो कि हमारा GTX 1650। अब यहाँ पे आपको GDDR6 वाली 4GB की VRAM मिलती है, ठीक है, तो फिलहाल इसको साइड में ले लेते हैं। वहीं NVIDIA की बात कर लेते हैं तो NVIDIA में आपको मिल जाता है RX 6400, जिसके अंदर भी 4GB की VRAM आपको मिल जाती है, हालांकि वो एक लो प्रोफाइल वाला ग्राफिक कार्ड है। एंड उसके बाद आ जाता है ये नया नवेला ऑप्शन, हालांकि पुराना है बट यार वापस से मिलने लगा है तो नया नवेला इसको बोलेंगे। ये आप लोगों को यार 10,000 से 11,000 रुपए में 8GB की VRAM प्रोवाइड करवा रहा है। अब यही रीजन है कि भाई लोग इसको ज्यादा ढूंढ रहे हैं, ज्यादा परचेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे भी लोगों को ऐसा ही लगता है कि यार ज्यादा VRAM का मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस। क्या ये सच है? आप लोगों को क्या लगता है नीचे हमें जरूर से बताओ कमेंट करके। बाकी यार सच ये कितना सच है ये हम जानेंगे टेस्टिंग के टाइम। तो अब इधर उधर की ज्यादा बातचीत करके वॉच टाइम नहीं बढ़ेगी, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। अब टेस्ट बेंच के लिए यहाँ पे हमने अपने सिस्टम के ऊपर इसको लगा दिया है। अब यहाँ पे प्रोसेसर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा ओवर किल है, इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इंटेल का 13th generation का i5 13500, जिसके अंदर यार टोटल 14 कोर मिल जाते हैं, तो भाई ओवर किल वाला सीन है भले प्रोसेसर में, बट यहाँ पे प्रोसेसर भाई बॉटल नेक नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमने यहाँ पे ये वाला प्रोसेसर लगा दिया। 16GB की रैम हमने यहाँ पे यूज़ की है जो कि है DDR5 वाली, 5200 MHz वाली रैम है। मदरबोर्ड यहाँ पे हम MSI का B760M बॉम्बर वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, एंड AIU यहाँ पे हमने लगा रखा है 360mm का, क्योंकि प्रोसेसर थोड़ा सा ओवरकिल था। बाकी केस की बात करें तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सा केस यूज़ किया है जो कि हमारा एंटी स्पोर्ट्स का ग्राफ्टी।
एंड ग्राफिक कार्ड यहाँ पे हम ये वाला यूज कर रहे हैं। तो टेस्ट बेंच ये है आपके सामने। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस वाले ग्राफिक कार्ड को आप एक नॉर्मल सिस्टम के साथ बिल्ड करोगे, यानी कि जैसे एक राइजन 5 या फिर इंटेल का i5, तो उस हिसाब से हो सकता है आपके सिस्टम में एक-एक FPS का आपको डिफरेंस मिले। तो गेमिंग करने से पहले यहाँ पे हमने यार इसको 4K में वीडियो एडिटिंग करके देखा। अब यहाँ पे हम यार अपने ZV-E10 का फुटेज यूज कर रहे हैं जो कि 4K में हमने शूट किया है 24 FPS के ऊपर। एंड प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हैं तो टाइमलाइन आप देख ही सकते हो एकदम स्मूथ टाइमलाइन है, मतलब 8GB की VRAM कहीं ना कहीं काम आ रही है, क्योंकि 4GB की VRAM कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अगर 1080p तक करते हो तो चल जाता है, बाकी 4K पे कर रहे थे यार 8GB तो मेरे हिसाब से मिनिमम है। तो यहाँ पे टाइमलाइन एकदम स्मूथ है। एंड यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग करके देखी, एंड जब रेंडरिंग पे रखा तो रेंडरिंग टाइम काफी ज्यादा आ रहा है। तो एट द एंड अगर आप इस वाले कार्ड को 4K पे रेंडरिंग के लिए ले रहे हो, 4K पे एडिटिंग के लिए ले रहे हो, तो भाई ये आप लोगों के लिए नहीं है। 1080p तक अगर आपका काम वर्कफ्लो सीमित है तो भाई ये वाला कार्ड आप कंसीडर कर सकते हो। हालांकि अगर आपको खाली एडिटिंग ही करनी है तो भाई एनवीडिया के साथ जाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो शॉर्ट में एडिटिंग वाली बातचीत ये थी। अब बात कर लेते हैं गेमिंग के लिए, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हमने गॉड ऑफ वॉर चला के देखा है, एंड गॉड ऑफ वॉर यार थोड़ा सा ग्राफिकल डिमांडिंग गेम है। अब यहाँ पे जब मैं इसको हाई एंड ओरिजिनल सेटिंग पे खेल रहा था भाई 30-40 FPS मिल रहे थे यार 8GB होने के बावजूद भी। तो आपने देखा 8GB VRAM इतना मैटर नहीं करता है GDDR6 वाला, अगर स्पेशली अगर GDDR5 वाला VRAM है। एंड यहाँ पे जितने भी गेम्स हम टेस्ट कर रहे हैं सारे ही गेम्स को हमने 1080p पे प्ले किया है। अब गॉड ऑफ वॉर यार अगर आप हाई सेटिंग पे खेलते हो या फिर ओरिजिनल सेटिंग पे खेलते हो इस वाले कार्ड के साथ, तो आपका जो यूजर एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब अच्छा एक्सपीरियंस ना मिलने की वजह से यहाँ पे हमने सेटिंग्स को लो कर दिया, यानी लोवेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे हमने इस वाले गेम को प्ले किया। एंड उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है आपको 55-60 FPS निकाल के दे रहा था। लोवेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे आप गॉड ऑफ वॉर को 1080p में प्ले कर सकते हो, एंजॉयबल FPS आपको मिल जाएंगे, आपका जो एक्सपीरियंस है वो स्मूथ होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट गेम जो कि हमने टेस्ट किया है यहाँ पे, शैडो ऑफ द टोम रीडर। अब ये भी यार काफी ज्यादा ग्राफिकल डिमांडिंग गेम है। अब इसको भी हमने यार 1080p पे लोवेस्ट सेटिंग पे खेला है, एंड लोवेस्ट सेटिंग पे FPS आपके सामने यहाँ पे आपको एंजॉयबल FPS निकाल के दे देता है, 60+ आपको यहाँ पे FPS मिल जाते हैं। तो अगर आप शैडो ऑफ द टोम रीडर भी खेलना चाहते हो तो इस वाले ग्राफिक कार्ड में आप खेल सकते हो। नाउ अगला गेम जो हमने टेस्ट किया है वो हमारा फेवरेट गेम है सेकिरो। एंड यहाँ पे सेकिरो में जो भाई जो FPS है वो इन्होंने 60 FPS पे ही लॉक कर दिया है, तो यहाँ पे 60+ FPS नहीं जाएगा। एंड जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो सेकिरो में यहाँ पे कांस्टेंट 60 FPS मिल रहे थे, थोड़ा बहुत FPS फ्लक्चुएट हो रहा था, हालांकि इसको हमने मैक्स सेटिंग पे खेला है। अब ये वाला जो गेम है यार गेम तो काफी तगड़ा है, बट उतना ग्राफिकल डिमांडिंग गेम नहीं है। बट अगर आपको गेमिंग करना पसंद है तो मैं आपको यार डेफिनेटली ये वाला गेम रिकमेंड करूंगा, एक बार खेल के देखो भाई मजा आ जाएगा। अब इसके बाद जो हमने अगला गेम टेस्ट किया है वो हमारा Battlefield 5। एंड Battlefield 5 के अंदर यहाँ पे यार मैक्स सेटिंग पे आप इसको खेलोगे तो अच्छे FPS नहीं मिलेंगे, लोवेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे आपको इजीली ये 60+ FPS निकाल के दे देता है कॉन्स्टेंट। तो Battlefield 5 एंड God of War जैसे हाई डिमांडिंग गेम में आप इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, भले ही भाई 8GB की VRAM ऑफर करवाता है। अब 4 के अंदर यहाँ पे आपको हाई सेटिंग्स पे यार आराम से 70 FPS मिल रहा था, लोवेस्ट सेटिंग्स पे भाई 100+ FPS आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लोगों का फेवरेट GTA 5। अब GTA 5 भाई इतना ग्राफिक डिमांडिंग गेम नहीं है, तो GTA 5 जैसे गेम्स में आपको 100+ FPS निकाल के दे देता है मीडियम टू नॉर्मल सेटिंग्स पे, वहीं हाई सेटिंग्स पे आपको 60+ FPS मिल जाएंगे ज्यादा VRAM होने की वजह से। तो एट द एंड भैया कंक्लूजन यही है कि अगर आपका बजट था 10-11 हज़ार रुपये, आपको करनी थी गेमिंग एंड हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग, बाकी वेब ब्राउजिंग, 3-4 मॉनिटर कनेक्ट करने थे, ट्रेडिंग वेडिंग भी करनी थी, तो ये वाला ग्राफिक कार्ड आप ले सकते हो, बजट में आपको निराश नहीं करेगा। 8GB की जो इसके अंदर VRAM है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प तो करती है। वहीं इसके कंपेटिटर्स की बात करें जो कि हमारा 1650, तो भाई इससे तो बेहतर ही है ये वाला ग्राफिक कार्ड। अगर आप 1650 लेने वाले थे तो इसकी जगह आप इस वाले कार्ड को कंसिडर कर सकते हो, आपको इससे बेहतर परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। अब मैं अमेजोन पे इसकी प्राइस देख रहा था तो मैंने देखा यार अच्छा खासा स्कैम चल रहा है यहाँ पे, आप लोगों को काफी सारे यार चाइनीज सेलर्स भी मिल रहे हैं एंड चाइनीज ब्रांड वाले कार्ड सेल कर रहे हैं, तो वो वाला कार्ड मत लेना, वो थोड़े से सस्ते हैं, ना तो वहाँ पे आपको वारंटी मिलेगी और ना ही आपको मिलेगी परफॉर्मेंस, और एक बार आप लेके फंस गए ना तो भाई वो सेल भी नहीं होगा। तो मेक श्योर की एक ट्रस्टेड सेलर से लो, एक जेन्युइन ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदो, जैसे ASRock का ले सकते हो, पहले 2 साल की वारंटी मिलती थी, अब यहाँ पे भी आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है, ताकि आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाए और यहाँ पे आपको वारंटी भी मिल जाए। तो कैसा लगा ये वाला वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी ये वाला ग्राफिक कार्ड परचेस करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है, वहां से जाके खरीद लेना। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।